राइट नाउ यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह। सर, कुछ सालों पहले ओल्ड मैसूर को कांग्रेस और जेडीएस की गढ़ माना जाता था, आप इधर रामनगर में हैं और इतना सारा क्राउड, क्या लगता है सर आपको बीजेपी सक्सेसफुली ओल्ड मैसूर में इनरोड कर पाया है? सिर्फ ओल्ड मैसूर नहीं, हम पूरे कर्नाटक की सभी 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जेडीएस गठबंधन जीतेगा। पूरी कर्नाटक की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहती है। आप एक जन सैलाब दिखाइए, जो जन सैलाब आज उमड़ा है वो ही बताता है कि पूरा कर्नाटक मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार। सर एक तरफ कांग्रेस अपनी गारंटियों के बारे में बात कर रहा है, पर मोदी की गारंटी ग्राउंड लेवल पर रेजोनेट हो रहा है। आपको क्राउड में काफी लोग बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का वो कितने बेनिफिशियरीज है, कितना बड़ा मुद्दा होगा सर ये इलेक्शन में? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, पर मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी ने करोड़ों लाभार्थियों को जो फायदा मिल दिया है वो जरूर इस बार मोदी जी को तीसरी बार चुन। सर, और मेरा आखिरी प्रश्न सर, कांग्रेस को केरला में एसीपीआई का सपोर्ट मिला है सर, ये क्या इंफर कर सकते हैं सर, ये एसीपीआई सपोर्टिंग कांग्रेस इन केरला? सर देखिए, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस आई वर्षों से सांप्रदायिक ताकतों का साथ लेकर देश विरोधी अभियानों का प्रचिन्न रूप से समर्थन करें। एसडीपीआई का सपोर्ट लेने का मतलब ही होता है कि आप भारत की एकता और अखंडता में विश्वास नहीं करते। सर, फाइनली साउथ इंडिया में ओके, दैट वाज यूनियन मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह सेइंग दैट द गारंटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज रेजोनेटिंग विद पीपल, दे विल विन ऑल 28 सीट्स इन कर्नाटका। इंद्रम नगर, हरीश उपाध्याय।